हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये मेरे पीछे दिखा रहा हूँ, ये बहुत सारी बेलें लगी हुई है। उसमें खास करके अगर आप ये देखें तो ये पौधा जंगली करेले का है, और ये जंगली करेला मैंने कुछ तोड़ भी लिए हैं। ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे काफ़ी फेमस है। एक्चुअली यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं लगा हुआ है, और लोग इसे छोड़ते नहीं हैं। ये काफ़ी सारे जंगली बबूल जो होता है वो लगा हुआ है, साथ में बहुत सारे दूसरे खरपतवार लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे काकजंघा भी लगा हुआ है, ये देखिए। और इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे गिलोय भी चढ़ी हुई है, आप देखें तो ये देखिए। और तरह तरह के यहाँ पे जंगली भिंडी भी लगी हुई है, ये देखिए उसका फूल है और ये पत्ता है जंगली भिंडी का। और साथ में यहाँ पे ये इसे लक्ष्मणा कहते हैं, पिंक फूल लगता है इसे, ये बेल भी यहाँ पे चढ़ी हुई है। और बहुत सारे खरपतवार हैं यहाँ पे, अपामार्ग भी आप देख सकते हैं, चिरचिटा जिसे कहते हैं, वो भी मेरा रास्ता रोक रहा है। मुझे आगे जाना था, एक्चुअली देखना था कि और मैं इन्हें तोड़ पाता हूँ क्या, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा अंदर। तो ये जो है ये बहुत ही काम का है, काम की बेल है ये। ये देखिए, और ये पूरी चढ़ी हुई है, और इससे इन करेलों को मैं यूं ही कच्चा खा लेता हूँ यूजुअली। ये जैसे एक ये लिया और सीधा खा लिया। अभी मैं आपको ये खा के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि घर पे एक्चुअली इसकी सब्जी करनी है, और इतने ज़्यादा करेले लोगों ने छोड़े नहीं हैं, और मुझे सब्जी के लिए भी कुछ बचा के रखने हैं, तो मैं ये यूं ही खा लेता हूँ, खा के अभी नहीं दिखाऊंगा आपको। तो ये बहुत ही काम की बेल होती है, ये खास करके डायबिटीज़ में, ये मधुमेह में ये बहुत ही अच्छा काम करती है। और ये खास करके दूसरा इसका मैं फ़ायदा बताऊं आपको, तो आव जिसे निकलता है, यानी शौच करते समय अगर सफ़ेद सफ़ेद चिकनाहट अगर निकलती है तो उसमें भी ये बड़े काम का है। उसमें आप नॉर्मल सादा करेला भी खा सकते हो कच्चा, या फिर इसे भी खा सकते हो। तो ये ज़बरदस्त कीटाणुनाशक वनस्पति है, ये याद रखिए। और इस तरह का इसे फूल लगता है, इसे ही करेले लगेंगे। ये यहाँ पे अगर देखें आप तो ये छोटा सा जंगली करेला आपको नज़र आएगा, ये छोटा है। और ये जो है ये थोड़ा ज़ूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो ये पक गया है यही करेला। और ये देखिए, ये इसे इसके पके करेले हैं, और इस तरह की इसमें बीज निकलते हैं, तो इसके बीज भी आप इस तरह से इकट्ठे कर करके और गमले में भी लगा सकते हैं। थोड़ा बड़ा गमला आप ढूंढे और उसमें अगर आप ये बीज लगाएं तो आप घर पे भी इसको, आपके टेरेस पे आप इसको फैला सकते हैं और फिर इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ये इसके इस तरह के पकने के बाद ये इस तरह का हो जाता है। तो ऐसा ये पूरी चढ़ी हुई है, और जिन्हें एक्चुअली इसके बारे में जानकारी है वो इसका मौका नहीं छोड़ते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक में भी महिलाएं कुछ आती हैं और सब चुन चुन करके इन्हें लेके जाती हैं, और जिन्हें पता है कि ये खाया जाता है वो इनका लुफ्त उठाते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि साफ़ जगह पे ये लगी हुई हो, गंदगी में ना लगी हुई हो, तो ये बड़े काम की है, ख़ास करके मधुमेह में
जहाँ पे यहाँ पे जैसे नीम का पेड़ है, तो नीम भी मधुमेह में लिया जाता है, नीम के पत्ते खाए जाते हैं। लेकिन नीम के पत्तों में ये प्रॉब्लम होता है कि नीम के पत्ते खाने से थोड़ा जो काम वासना है वो कम हो जाती है, वो उसका डिसएडवांटेज है। लेकिन ये बहुत ही कारगर है क्योंकि इसमें काम वासना पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उल्टा और शरीर तंदुरुस्त होगा और सारे बॉडी के टॉक्सिन्स, वैसे नीम के भी सेम गुण है लेकिन काम वासना को लेकर के जो है इस पे विपरीत परिणाम नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये मधुमेह में एक्चुअली काफ़ी लोग इसे ढूंढ ढूंढ करके और इसका सेवन करते हैं। और जैसे मैंने बताया पेट के प्रॉब्लम में, कि पेट के कीड़ों में और पेट में अगर आव निकलता है या पेट में कुछ भी इन्फेक्शन है, तो ये एक बड़े काम की चीज़ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हे, मैं इसी तरह की प्रैक्टिकल जानकारी आपको देते रहता हूँ हमेशा ही, और हमेशा ही इस चैनल पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वनस्पतियाँ खा के दिखाऊँ और जेन्युइन आपको जानकारी दूँ। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।